शरीफा भी जी। आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी। आप सोया से कहिएगा कि वो तैयार हो जाए, खुद भी तैयार हो जाएगा। जब तक फातिमा की शादी नहीं हो जाती हम मामू के पास ही रहेंगे। बैग्स पैक कर दीजिएगा। हाँ अभी भी आपको तो दोनों तरफ के इंतजाम देखने होंगे। हाँ कह तो आप ठीक रहे हैं। ताया जान के पास भी कोई इंतज़ाम देखने वाला नहीं है। ताई जान भी अकेली है। देखिए जरा कौन आ रहा है। देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आइए। खाने वाला आप? वालेकुम सलाम। मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा आपको पिक कर लूँ। खामखा तकलीफ की आपने, मेरे पास गाड़ी भी है और ड्राइवर भी। नहीं इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं। आपके लिए कॉफ़ी ले आओ। श्योर। ले आओ, लेकिन हम घर से नहीं पी के आए हूँ। प्लीज बैठे। थैंक यू। आनिया मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। पहले आप मुझे ये बताएं कि आप और फातिमा कल शॉपिंग पे गए थे, कैसी रही? यकीनन कल आपकी मुलाकात आपकी अम्मी से हुई होगी। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं जानना ये चाहता था आनिया के आप अपने आप को धोखा दे रही हैं या आपकी अम्मी मुझे। एक बात बताऊं आनिया, मुझे पछतावा सिर्फ तब होता है जब मैं किसी को दुख पहुंचाती हूँ या धोखा देती हूँ। मुझे देखो बिल्कुल मुतमईन हूँ, पुरसुकून हूँ मैं। हानिया क्या आप अपने आप को धोखा दे रही हैं? जब मैं किसी और के साथ खुदगर्ज नहीं हूँ तो मुझे अपने आप को कोई धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं। हानिया प्लीज़ ये इन्वेस्टिगेशन अब आप बंद कर दें। मुझे ना ही कोई पछतावा है और ना ही कोई अफसोस, मैं खुश हूँ। मैं यकीनन अम्मी ने आपको ये वर बनाया होगा। क्या कहा है उन्होंने आपसे? हानिया क्या आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, कहते हैं तो लिख के दे देती हूँ। बहुत जल्द मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाऊंगी। कैसी खुशखबरी? मैं शादी करने वाली हूँ। शादी? किससे? कौन है वो? सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगी।